अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मटन मंदी। मेरे व्यूअर्स को सऊदी कबसा बहुत पसंद आया था। ये भी एक अरब डिश है, आप जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ ही लिव बाय सलमा रिफ। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बकरे का गोश्त है, साथ यखनी में जो चीज़ें चाहिएंगी वो हैं और कुछ मसाले। सबसे पहले हम मंदी का मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, 2 टीस्पून हरी इलायची, 2 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ड्राइड अदरक का पाउडर, 3 तेजपात, 1 बादियान का फूल, 1/2 टुकड़ा जायफल का, 1 फूल इसमें हम डालेंगे जावित्री और 1/2 टुकड़ा दालचीनी का। अभी हम इसको पीस लेते हैं। ले जी, मंदी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि वैसे तो पैकेट में मसाले आपको रेडी मिल जाते हैं, मगर जो आप फ्रेश बनाएंगे उससे आपको खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत मज़ेदार मिलेंगे। चले जी, अभी हम मीट को रखते हैं बॉईल होने के लिए। चलें, अब हम गोश्त को रख देते हैं बॉईल होने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बकरे के कंधे का गोश्त। बहुत नरम और जूसी के बनता है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह शैंक भी ले सकते हैं या फिर आप रान भी ले सकते हैं बकरे की, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून नमक। नमक मैंने भर के लिया 2 टीस्पून, क्योंकि गोश्त अंदर से अच्छा सा नमकीन होना चाहिए। इसमें हम डालेंगे अब 1 टेबलस्पून भर के मंदी मसाला जो हमने बनाया, बाकी हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब इसके साथ जाएंगे 2 ड्राइड लेमन, 2 से 3 हरी मिर्चें आप ले लें, 1 प्याज हम इसमें डालेंगे और साथ 3 से 4 लहसुन के जवे। ठीक हो गया। अब हम इधर डालेंगे 2 लीटर पानी हमने डालना है। ये चला गया 1 लीटर, ये चला गया इसमें 2 लीटर। ठीक हो गया। 2 लीटर पानी हमने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि मीट को गलने में भी टाइम लगेगा। तकरीबन हम इसको लो फायर पे घंटा पकाएंगे, तो आधा तो उसमें ड्राई हो जाएगा पकने में और बाकी हम चावलों के लिए इसकी यखनी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कवर करते हैं घंटे के लिए लो फायर पे। पूरा घंटा हो चुका है, मीट हमारा जबरदस्त गल गया है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और मीट को हम इसमें से निकाल देते हैं। इसको हमने बाद में सिर्फ स्टीम करना है ताकि दोनों साइडों से इसका कलर अच्छा आ जाए और फिर हम इसको डायरेक्ट स्टीम के बाद चावलों पे रखेंगे। इसलिए गोश्त आपका बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ हो, इतना अच्छा कि आराम से जब आप इसको तोड़ें तो ये बिल्कुल आराम से हाथ से टूट जाए, ठीक है। तो गोश्त हमने निकाल दिया, ये ठंडा होगा, फिर हम इसके ऊपर मैरिनेशन अप्लाई करेंगे। यखनी को हम साइड पे करते हैं और चावलों का मसाला बना लेते हैं। चलें, चावलों का काम शुरू करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 प्याज मैंने लिया जिसको बारीक काट लिया, ये डाल देते हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे। चले जी, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने काट लिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं थोड़ा सा, वैसे तो ये स्पाइसी नहीं होती, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो वो सिर्फ थोड़ी ग्रीन चिली से ही हम करेंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं जाएगा, रेड चिली और। चलें, अब हम इसके अंदर डालते हैं
दो चिकन क्यूब्स हैं मेरे पास, ये हम डाल देंगे। नमक का ख्याल आप खुद अपने टेस्ट के हिसाब से रखें, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला है और इसमें हमने क्यूब्स भी डाल दिए। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। ये हरी मिर्चें और क्यूब्स अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक टेबल स्पून जो हमने मंदी का मसाला बनाया था वो। इसको अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा मसाला रेडी है, लंबा चौड़ा कोई मसाला, कोई टमाटर दही एक्सेट्रा इसमें नहीं जाएगा। ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मटन बॉईल किया था, ये उसकी यखनी है, मैंने इसको छान लिया। तो ये 4 कप यखनी है मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि 2 कप मैंने चावल लिए जिनको मैंने घंटे के लिए भिगो दिया था। आप जो भी चावल यूज़ करें उस हिसाब से यखनी अपने चावलों के लिए डाल लें आप, ठीक है। अभी हम इसको कवर करते हैं जब तक इसमें बॉईल आ जाए। जब तक चावलों का पानी बॉईल हो रहा है, मीनवाइल हमने जो इस मटन के ऊपर मिक्सचर अप्लाई करना है हम वो बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए 2 टेबल स्पून बटर और जो हमारा रिमेनिंग स्पाइस था, मंदी स्पाइस जो हमने बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे सारा। तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अभी इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा सा मिक्स हो गया, चलें अब हम इसको मीट के ऊपर लगा लेते हैं। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मगर हाथ से अच्छी तरह लगेगा, इसलिए हम इसके ऊपर डाल के फिर हम इसको हाथों से रब करेंगे ताकि हर तरफ इवनली लग जाए। दूसरी साइड पे भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से रब कर लें और अब हम इसको ग्रिल करेंगे ताकि दोनों तरफ से इसका गोल्डन कलर आ जाए, और फिर स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इस पे कोयले का दम भी देंगे। चलें जी, मीट को हमने मिक्सचर लगा दिया, वो ग्रिल के लिए रेडी है, साथ पानी में भी बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप और ऐड कर दें। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी जब तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा, साथ हम मीट को ग्रिल कर लेते हैं। चलें, ग्रिल मैंने यहाँ पे रख दिया, हल्का सा ऑयल ब्रश किया, हल्की सी गर्म भी होगी। अभी हम इसके ऊपर मीट के पीसेस रख देते हैं आराम से, दोनों साइड से बस गोल्डन कलर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मीट इतना अच्छा गल चुका है, तो सिर्फ कलर के लिए हमने इसको ग्रिल करना है। ये जो बाकी का मसाला बचा है ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक से दो मिनट एक साइड पे, एक से दो मिनट दूसरी साइड पे। ये देखें जी जनाब, चावलों का पानी ड्राई हो चुका है, बाकी हम इसको दम पे अभी रखेंगे तो जो थोड़ी सी कसर है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने मीट पीसेस इसके ऊपर रख देंगे जो हमने ग्रिल कर ली है, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। आराम से दोनों पीसेस इस पे रख के अब हम इसमें रखेंगे फॉइल। यहाँ पे मेरे पास है एक कोयला, इसको मैंने गरम कर लिया, ये हम इस पे रख देते हैं और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये ऑयल डाल देंगे और इसको हम कवर करते हैं 10 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि चावल और स्मोक भी फुल डन हो जाए और साथ स्मोकी फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा सा आ जाए।
10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम दम खोल देते हैं और फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। चलिए जी, ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इतने खिले खिले चावल बने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसको मैंने देसी घी के साथ फ्राई कर लिया था। इसका फ्लेवर और खुशबू दोनों ही बहुत यूनिक है। ईद आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर कि घर में सबको पसंद आएगी। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल लाइफ ही लिव बाय सलमा रिफ।